गुड आफ्टरनून गाइस। तो भाई कहते हैं आपको वेलकम और करते हैं हमारा आज का ब्लॉग इधर से स्टार्ट। कल हमारा गाड़ी खाली हो चुका था सूत्रापाड़ा में, बताए का ऑर्डर कुछ नहीं था, माल की पोजीशन बहुत डाउन है, यहाँ पे बारिश चालू है इसलिए। तो आज हमारी गाड़ी का ऑर्डर आया है भरने के लिए, अभी भरने हम जा रहे हैं भाणवत यानी कि जामजोधपुर के आसपास कहीं है। अब तो देखा तो नहीं है मैंने, फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि जामजोधपुर के आसपास है, तो अभी उधर जा रहे हैं भरने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक और देखिए पूरा वीडियो। सो फ्रेंड्स देखिए अभी हम पहुँचे हैं कणजा वछराज परोठा हाउस। ये रही वछराज परोठा हाउस, यहाँ पे खाना एक नंबर खाना मिलता है। काठियावाड़ में तो सभी होटल पे एक से बढ़कर एक होटल है। कणजा चौकड़ी देखिए वंथली पहुँचे हैं और ये यहाँ पे नारियल का हलवा मिलता है, बहुत अच्छी आइटम है, मैंने भी लिया है अपने घर के लिए बच्चों के लिए। तो स्वीट आइटम है, नारियल का हलवा बनाते हैं। तो अभी देखिए वंथली पहुँचा है, शायद इधर से हमको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा माणावदर हाईवे पे। तो जाने का रास्ता इधर ही है, ये चौकड़ी है यहाँ से, आगे से ये चौराया नहीं है, आगे जो चौकड़ी आएगा उधर से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा माणावदर बाटवा कुतियाना राणावाओ, फिर शायद बाड़वत आएगा। तो देखिए वंथली से अंदर टर्न ले लिया है माणावदर हाईवे पे, देखते हैं माणावदर कब तक पहुंचते हैं। अरे इधर हरियाली देखिए रोड की दोनों साइड, इधर बारिश अच्छी हुई है माणावदर में तो, इसलिए रोड की दोनों साइड हरियाली कैसी है, कैसा ब्यूटीफुल सीन। आम के पेड़, आम का गार्डन है देख सकते हैं आप। भाई देखिए अभी माणावदर पहुंच आए हैं और माणावदर में हमारे सब्सक्राइबर एक अंकल जी है इकबाल भाई, वो इधर वेट करके बैठे हैं या अभी आएंगे। मेरे को बोला कि भाई भाई मिलने बिना मत जाना, तो मेरे पापा के समान है इकबाल भाई, तो अभी लगता है इधर ही आएंगे। इधर हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दे पावर हाउस, ये रहा पावर हाउस के पास ही बोला है मुझे गाड़ी खड़ी करना, तो इधर अभी रख दूंगा गाड़ी। और फ्रेंड्स वो देखिए पानी की झील है, ये इधर बाजू में जा रही है, ये देखिए और ये इधर घूमने का गार्डन है, तो पानी की झील। भाई देखिए मैं जिनकी बात कर रहा था इकबाल भाई वो आ गए हैं, ये उनकी कार है, आज कार लेके आए हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मजा आई की है एकदम बढ़िया। उतरो नीचे। तो भाई देखिए इकबाल भाई हमारे लिए फाकी तो लेके आए हैं और प्लस चाय भी देखिए ऑर्डर भी मंगाई है, मुरलीधर में से लेके आए, पापा के सामान है, तो वो मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं। जब भी मैं इस रूट पे निकलता हूँ तो इकबाल भाई ऐसे ही 8 दिन में एक बार तो कॉल आता ही है, कॉल नहीं आता तो मैसेज आता है कि भाई भावेश भाई कैसे हो, तो वो है इनका प्यार। तो इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्यार तो देना ही चाहिए नहीं रहा, आप लोग बच्चों लोग को बड़े लोग प्यार नहीं देंगे तो कौन देगा। मोहब्बत तो ऐसे ही रहनी चाहिए यार। माणावदर में से निकले तो मुझे फोन करा वहाँ से अपना केशोद से, तो भाई सही आ रहा हूँ मैं, हाँ आ रहा हूँ, तो सीधा वो मेरा काम का छोड़ सीधा गाड़ी लेके वेगनार लेके सीधा यहाँ पे पहुँचा मैं। ये मोहब्बत होती है,
यही होता है हाँ, गुजराती प्यार हाँ, काठियावाड़ी मोहब्बत कच्ची मोहब्बत हाँ, सब ऐसी है कच्ची काठियावाड़ी भाई हाँ, भाई हाँ भाई भाई सब ठीक है अच्छे इंसान है अच्छे लोग है मिलने जैसे आदमी ने मिलेंगे ना। और आप क्या कर रहे हो भाई? बस एकदम बढ़िया आपसे मैं जब भी इस रूट पे निकलता हूँ तो मुझे ऐसा ही होता है इकबाल भाई से मिल के जाऊँ। सही बात है आपकी मोहब्बत है वही ना होना ही चाहिए बराबर है। चाय भाई कुछ नहीं होता चाय मंगवाई तो बहुत अच्छी चाय है यहाँ की काठियावाड़ माणावदर की स्पेशल चाय। और मैं बोल रहा हूँ माणावदर वालों लाइक शेयर सब्सक्राइब भावेश भाई को सपोर्ट करो थैंक यू। तो भाई देखिए माणावदर से थोड़ा ही आगे निकले और हरेश भाई ये इनका गाड़ी है खारे बेच रहे हैं। इन्होंने हमको लाइट दिया और हाथ ऊंचा किया तो मैंने ऐसा ही फील किया कि ये भाई कोई अपने ही है सब्सक्राइबर ही है इसलिए मैंने ये गाड़ी ब्रेक कर दिया। और ये देखिए बारिश भी आ गई अभी नीचे उतरे हैं अभी हरेश भाई से थोड़ा बातचीत करे। तो ये देखिए ये है हरेश भाई उनका गाड़ी है तो हमारे लिए गाड़ी ये देखिए मोड़ के आए वापस से यू टर्न करके तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा भले खारक बेच रहे हैं भाई और हमको भी देखिए खारक दिया इतनी खाने के लिए। बाटवा बाईपास में पहुंचे हैं और ये रहा देखिए बाटवा गांव में जाने का गेट कितना ब्यूटीफुल गेट बनाया है। हमको जाना है इधर पोरबंदर हाईवे पर भाई देखिए अभी यहाँ से 455 किलोमीटर दिखा रहा है और एक छोटा सा गांव आया है यहाँ पर। और यहाँ पे बारिश बहुत जोरदार बारिश हुई है पोरबंदर जिले में अभी देखिए रोड के दोनों साइड पानी ही भरेला पड़ा है। इधर भी देख सकते हैं यहाँ भी नदी है खेत में भी देखिए कितना पानी भरा हुआ है। बारिश यहाँ पे सीजन बहुत बढ़िया हुई है कुतियाना यहाँ से 10 किलोमीटर बहुत आया कुतियाना से तो हमें 4-lane हाईवे मिल जाएगा राजकोट पोरबंदर हाईवे। भाई रोड की दोनों साइड देखिए खेती ये मूंगफली की खेती है ये देख सकते हैं मूंगफली है कितनी ब्यूटीफुल मूंगफली है यहाँ पर। इस साइड भी है देखिए रोड के दोनों साइड मूंगफली की खेती और काठियावाड़ भी खेती में सबसे आगे है इधर भी खेती बहुत करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब में घूम रहा हूँ कहीं मैं बिल्कुल सेम टू सेम पंजाब का भी नज़ारा ऐसा ही होता है रोड के दोनों साइड खेत और बीच में रास्ता लेकिन ये पंजाब नहीं हमारा गुजरात है हमारा काठियावाड़ है। देखिए पानी की नदी आने वाली है आगे ब्रिज दिख रहा है तो नदी में पानी भी बहुत होगा क्योंकि बारिश भी यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई है कुतियाना 6 किलोमीटर पोरबंदर 46 ये देखिए नदी में अभी पानी चालू है जा रहा है पानी ये देख सकते हैं कितनी बड़ी नदी है। अरे यहाँ पे देखिए पानी जा रहा है इधर से तो भाई देखिए अभी मैं काठियावाड़ के किस हिस्से में हूँ लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है अपना पानी लग रहा है कि मान लो कि ये मेरा ही गांव है इतना मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है अपना पानी लग रहा है यहाँ पर सभी। भाई देखिए अभी पहुंचा है कुतियाना चौकड़ी पर इधर से हाईवे मिल गया हमको राजकोट पोरबंदर हाईवे अभी इधर से लेफ्ट मार के सीधा जाएंगे पोरबंदर की तरफ। तो भाई आप मानेंगे या ना माने रोड से पहली बार जा रहा हूँ पोरबंदर राजकोट हाईवे पर
अपनी लाइफ में पहली बार, इससे पहले मैं इस रोड से कभी नहीं निकला हूँ। तो इंडिया में बहुत कुछ घूम लिया है, लेकिन ये गुजरात का पोरबंदर हाईवे पे पहली बार जा रहा हूँ। अभी राणावाओ इधर से थोड़ा ही आगे पोरबंदर 30 किलोमीटर है। राणावाओ अभी आगे आएगा कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार जा रहा हूँ। राणा कंडोरड़ा ऐसा कुछ गांव है। राणा कंडोरड़ा तो भाई देखिए, राणा वाव से जामनगर वाले हाईवे पर टर्न ले लिया। देखिए यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, उसमें आरती हो रही है। शाम हो गई, अगरबत्ती करने का टाइम हो गया, तो भगवान की आरती भी हो रही है। तो भाई ये देखिए जामनगर पोरबंदर हाईवे, थोड़ा जंगल विस्तार है। यहाँ से राणावा थोड़ा क्रॉस करके थोड़ा आगे ही निकले और ये थोड़ा जंगल विस्तार है। दोनों साइड देखिए जंगल इलाका, इसके बीच में से रास्ता बनाया है। बीच रोड पे भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, अभी देखते हैं आगे आगे कैसा रास्ता मिलता है। आगे तो पहाड़ दिख रहे हैं, शायद थोड़ा का पहाड़ी इलाका भी है। फॉरेस्ट ऑफिस है ये। आगे पहाड़ और इस जंगल में शायद जानवर भी होंगे, शेर चीता वगैरह। शेर तो इधर काठियावाड़ में बहुत है, जूनागढ़ गिर में तो शेर बहुत है। और ये जंगल ऐसा है, शायद इधर भी कोई ना कोई जानवर तो होंगे। तो देखिए रोड पे मोर जा रहा है। तो भाई बज चुके हैं रात के 10:15 और हम अभी पानवद में रविराज होटल पर पहुंचा है। इधर से ही हमारा गाड़ी लोडिंग करना है कल सुबह, तो अभी खाना वाना खा के सो जाएंगे इधर ही रात को। ये देखिए पानवद से थोड़ा आगे रविराज होटल है, फिर नाइट में तो क्लियर नहीं देखेगा, सुबह में दिखाएंगे आपको। तो भाई अभी देखिए नाइट का मौसम है, अंधेरा हो गया और ये हमारी बीच आ चुके हैं विशाल भाई, विशाल आहिर अपनी शिफ्ट लेकर। देखिए आ रहे हैं विशाल भाई, अंधेरे में दिखेगा नहीं आपको सही से। क्या है विशाल भाई? बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। कब पहुंचे यहाँ पे? यहाँ पे अभी पहुंचा, थोड़ी देर हुई है, अभी थोड़ी देर पहले। क्या लोडिंग करोगे? लोडिंग करना है लकड़ा। कहाँ पे लेके जाओगे? इधर ही पास में। चलिए पहले तो चाय पानी पीते हैं, कौन है? और चलिए